हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायोटेक सेपियंस सो आज की वीडियो में हम बेसिकली आपके जून ट्वेंटी थ्री जो सी एस यू जी सी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो बाइक मिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनके ऊपर जून ट्वेंटी थ्री आपके मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे ठीक है so, सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दैट इज रिलेटेड टू ग्लाइकुलिस ठीक है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग ग्लाइकुलिस इन प्लांट्स एलेनिन एंड रिलेटेड अमीनो एसिड्स आर डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रसर्स ठीक है अब देखो इसके लिए बेसिकली जितने भी अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं उनके क्या प्रिकर्सर्स होते हैं ठीक है तो एलेनिन तो हमने डायरेक्टली पढ़ा ही हुआ है कि एलेनिन जो है वो किससे बनता है आपका पायरुवेट से ठीक है कि पायरोबिड से विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरोबिड से हमारा एलेनिन बनता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करा है तो आपको ना अमीनो एसिड्स के प्रिकर्सर्स याद होने चाहिए ठीक है क्योंकि कई बार बच्चे क्या देखते हैं ना कि इतने सारे पाथवे हैं ठीक है क्योंकि हर एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन का पाथवे चलो मे भी हमें नहीं याद रहता बट एटलीस्ट आप जो प्रिकर्सर्स हैं जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके प्रिकर्सर्स को आप याद रखो ठीक है कि कौन सा अमीनो एसिड किससे डिराइव होता है ठीक है क्योंकि जैसे अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं कि टेन असेंशियल होते हैं टेन नॉन असेंशियल होते हैं ठीक है तो आपको मेनली प्रिकर्सर्स याद होने चाहिए कि कौन सा अमीनो एसिड किससे बनता है ठीक है तो ये हमने क्लास में डिस्कस भी कर रखा है तो आप उस इमेज के यू यू शुड गो थ्रू दैट इमेज जिसमें आपको प्रिकर्सर्स याद रहे ठीक है देन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिस ऑफ ग्लूकोस वन फॉस्पेटीज ठीक है देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या किया फैक्ट बेस्ड है तो इसमें तो आपको वैल्यू याद ही करनी पड़ेगी ठीक है तो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप अब ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आप बहुत सारी वैल्यूज याद करना स्टार्ट करो बट चलो इसका आया हुआ था तो इसकी होती है माइनस ट्वेंटी पॉइंट नाइन ठीक है कि ग्लूकोस वन फॉस्पेट की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है वो माइनस ट्वेंटी पॉइंट नाइन ठीक है तो बट ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे इन वैल्यूज को आप याद करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो आई एडवाइस की चलो अगर ये वैल्यू आए रखी है तो आप इसको याद याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो आपका ग्लाइकोलिस से रिलेटेड इन मेच्योर रिथ्रोसाइड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकुलिस दैट कंटेन्स द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज ठीक है तो ऑब्वियसली जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ठीक है तो जैसे ही आपका कि आपने गुलकोज से पायरोबेट बना ठीक है तो पायरोबेट से क्या बन जाता है आपका लैक्टेट ठीक है तो ये हमने पढ़ा ही है कि ग्लाइक्लिस होते हैं दैट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन बट जब हम बात करते हैं आफ्टर ग्लाइक्लिस पायरुबेट का दो फेट होता है या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखाता है या इथेनॉल दिखाता है अगर एनारोबिक कंडीशन है ठीक है अगर कंडीशन एरोबिक होती हैं तो एज वी नो कि वो एंटर करता है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल में ठीक है तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था तो दैट इज योर लैक्टेट ठीक है अब एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रखा था कि द दिमोलिसिज ऑफ आरबीसी ठीक है आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना चाहे आप इसको एनिमल फिजियो का पार्ट मान लो चाहे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट मान लो ठीक है जब भी मैं आपको जैसे आरबीसी के बारे में कुछ भी बताता हूँ तो एक बात मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आपको क्या याद रखना है कि आरबीसी के अंदर कितने परसेंट एन होता है और कितने परसेंट ग्लूकोस होता है ठीक है हमेशा याद रखना आरबीसी के अंदर पॉइंट नाइन परसेंट आपका एनएससीएल होता है और फाइव परसेंट क्या होता है आपका ग्लूकोस होता है ठीक है ये फर्स्ट टाइम जब एक मैंने कोई आई टी एग्जाम का पेपर देख रहा था काफी साल पहले तब क्वेश्चन आए थे कि आरबीसी को हमने टू परसेंट एन में रख दिया या इतने परसेंट ग्लूकोस में रख दिया तो क्या होता है तो ये आपको ना फैक्ट याद रखना पड़ता है ठीक है अब वो क्वेश्चन क्या करे हिमोलिसिस देखो हिमोलिसिस कब होगा हिमोलिसिस का मतलब क्या है कि आपने आरबीसी को बेसिकली एक तरह से बस्ट कराना है ठीक है आरबीसी को बस्ट कराना है तो देखो आरबीसी बस्ट तब करेगा जब वाटर अंदर आएगा जब पानी बाहर से अंदर आएगा तो वो स्वेल करेगा ठीक है तो अंदर तो हमें पता है अब चलो यहां पर उसने आपको वैल्यू नहीं दे रखी हमने एनएसीएल के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है तो अंदर तो पॉइंट नाइन परसेंट एनए है ठीक है अब देखो अगर तो बाहर पॉइंट नाइन परसेंट से ज्यादा होगा ठीक है तो पानी तो बाहर जाएगा उस केस में तो पानी बाहर जाएगा बट मेरा क्या कंडीशन है कि पानी अंदर आना चाहिए तो पानी अंदर तभी आएगा जब एन की कंसेंट्रेशन पॉइंट नाइन परसेंट से कम होगी ठीक है अब पॉइंट नाइन परसेंट से कम अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास चार ऑप्शन है टू परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट वन परसेंट और जीरो पॉइंट फाइव तो एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर प्वाइंट नाइन से कम है ठीक है तो बाहर की कंडीशन हाइपोटोनिक होनी चाहिए ठीक है तभी पानी अंदर आएगा अगर बाहर की कंडीशन हाइपरटोनिक है मतलब अगर एनएससीएल की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो उस केस में तो पानी बाहर जाएगा एंड दैट लीड टू श्रिंकेज उस केस में तो श्रिंकेज होगी बट मुझे तो यहाँ पर हीमोलिसिस कराना है सो द राइट आंसर इज डी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट ठीक है अब देखो क्या होता है ना क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं हमने शुगर्स पड़ी रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट मेन बता रखा है किसी भी शुगर को रिड्यूसिंग होने के लिए ठीक है उसका एनोमेरिक कार्बन क्या होना चाहिए फ्री उसका एनोमेरिक कार्बन क्या होना चाहिए फ्री ठीक है एनोमेरिक कार्बन जनरली जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें सीवन होता है एनोमेरिक एंड वेन वी टॉक अबाउट फ्रक्टोज तो उसमें सी टू होता है ठीक है अब देखो सिंपल सा फंडा इस क्वेश्चन में अब देखने में कितनी अजीब लग रही है शुगर्स तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करें ठीक है देखो सीधा सा फंडा क्या है ये जो ऑक्सीजन होती है ठीक है इसके बाद जो कार्बन होता, होता है वो फर्स्ट होता है जैसे ये फर्स्ट है इसने तो बॉन्ड बना रखा है ठीक है इधर देखें जो ये ऑक्सीजन है तो ये फर्स्ट ने बॉन्ड नहीं बना रखा तो ये तो रिड्यूसिंग है ठीक है तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता इधर जो फर्स्ट है इसने बॉन्ड बना रखा है इधर वाली फर्स्ट आपकी फ्री है ठीक है इधर अगर आप देखो तो इधर फर्स्ट ने बॉन्ड बना रखा है लेकिन इधर आपकी बेसिकली जो फर्स्ट है वो फ्री है ठीक है तो ये सब रिड्यूसिंग है क्योंकि रिड्यूसिंग होने के लिए एनोमेरिक कार्बन फ्री होना चाहिए लेकिन, लेकिन जब मैं फोर्थ ऑप्शन पे आता हूं देखो ये फर्स्ट ने बॉन्ड बना रखा है और देखो ये इधर ऑक्सीजन इधर दिखा है इसके फर्स्ट ने बॉन्ड बना रखा है तो जब दोनों ही फर्स्ट ने बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन इज नॉट फ्री एनोमेरिक कार्बन आपका फ्री नहीं है एनोमेरिक कार्बन इज नॉट फ्री और अगर एनोमेरिक कार्बन आपका फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो शुगर आपकी नॉन रिड्यूसिंग है ठीक है तो हमने पढ़ा भी था जैसे इसमें मतलब वन वन ने बॉन्ड बना रखा है ठीक है दोनों के वन वन ने बॉन्ड बना रखा है तो ये थी आपकी ट्री ठीक है अब वही होता है ना हमने कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सिंपल हमने पढ़ा था वहां पर सारी शुगर्स पढ़ी थी ठीक है चाहे वो ग्लूकोस है फ्रक्टोज है चाहे वो गलेक्टोज है चाहे हमने मैनोज की बात करी माल्टोज गलेक्टोज ठीक है वहां पर आपने सुकरोस देखा वहां पर आपने मैली बायोस सेलो बायोस ट्री हेलोस सब हमने शुगर्स देखी थी तो ट्री हेलोस भी आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है और एक हमने देखी थी सुक्रोस C1 of glucose and C2 of fructose. So they are involved in the formation of glycosidic bond. ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो वो क्या होती हैं आपकी दे आर बेसिकली ऑर non-reducing sugar. ठीक है अब देखो क्या होता है ना The main point is application. ठीक है अब मान लो मैंने ऐसे diagram की form में theory नहीं पड़ी हुई ठीक है तो अब बच्चा देखे यार मैं मेरे को concept पता है ठीक है But अगर मैं इस चीज को judge ही नहीं कर पा रहा कि question में आया क्या है देखने में तो कितना अजीब क्वेश्चन लग रहा है ठीक है, बट आपको जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाए ठीक है आपने का ऐसे था, for example, तो इसको हमने देखने का तरीका आपका होना चाहिए ठीक है आप पहले ये तो जज कर पाओ अब जिसको अगर ध्यान से देख ही नहीं पा रहा उसको तो वन पता ही नहीं लगेगा कौन सा है आपने क्या देखना है जहां पर ऑक्सीजन है उसके बाद पहले वाला वन है ठीक है तो यू नीड सम मतलब पेशेंस आपको ध्यान से देखना है आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे ठीक है दिस इज़ द मेन थिंग ठीक है देखो सबसे पहले हमें थ्योरी आनी चाहिए ठीक है मेरी एक ही एडवाइस रहती है बार बार बच्चों को क्योंकि अब का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स एक नई चीज़ को देखते हैं और वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं ठीक है थीके? और ये दिस इज अब क्या होता है ना कुछ बच्चे चलो मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं या चलो आप जो भी उनको लगा लो ठीक है तो उनके ब्रेन की कैपेसिटी ज्यादा है दे कैन एक्यूमुलेट न्यू एंड न्यू थिंग्स ठीक है बट जो एक एवरेज बच्चा होता है वो सिर्फ अपने चलो हार्ड वर्क तो देखो इंपॉर्टेंट है इसे ही बिसाइड वर्क योर स्मार्टनेस ठीक है अब वो स्मार्टनेस क्या है कि आपको जो पढ़ा हुआ है आपने ठीक है आप पहले उसको अच्छे से पढ़े और उसे अप्लाई करो ठीक है ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से एग्जाम क्रैक होता है ऐसा कुछ नहीं है दिस इज़ ए रॉन्ग मिसकनसेप्शन आपको जितना आता हो वो अच्छे से आता हो ठीक है बट ये है कि चलो आजकल बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है ये चीज़ें तो बेसिकली वर्क ऑन योर थ्योरी ठीक है आपको थ्योरी करो ठीक है थ्योरी के बाद आप और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है ना जैसा मान लो चलो अभी मैं हाँ तो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा हो गया स्टूडेंट खुद से नहीं ट्राई करता ठीक है ना लेकिन जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करोग जैसे मैं तो अभी आपको सोल्यूशंस बता रहा हूँ मैंने भी चलो जो क्वेश्चन देखे जो मुझे नहीं आता था या मुझे लगा इसको कैसे कराना है वो मैंने चलो दैट इज़ टीचर्स पार्ट वो उसने करा और आपको सोल्यूशन दे दिया बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जब तक आप सोल्यूशन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनती ठीक है वी शुड ट्राई क्योंकि पेपर में तो आपने करना है ना आपको चाहे मैं कितने भी सोल्यूशन देते हूँ सोल्यूशंस इसलिए दे जा रहे हैं आजकल क्या चल रहा है कि भाई आ, हम अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालेंगे हमारे पास व्यूज़ आएंगे तो इसमें लॉस बच्चे का ही हो रहा है बच्चे का क्या लॉस हो रहा है कि वो खुद से नहीं ट्राई कर रहा ठीक है।, है अब क्या करें टाइम ही ऐसा आ गया चलो क्योंकि टीचर को कि इंपॉर्टेंस इस बात पे बन गया कि वो कितने आपको सोल्यूशंस बना के दे रहा है कितनी आपको नई नई बातें बता रहा है ठीक है अब हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था और पहले भी ऐसी कोई बातें नहीं होती थी चलिए कोई नहीं अब ये क्वेश्चन आया कि माइनस सेवन मोलर एच की पी कितनी होगी ठीक है अब क्या होता है बच्चे को फॉर्मूला पता होता है ठीक है कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव ठीक है तो वो क्या करेगा सीधा माइनस सेवन पुट करेगा और आंसर कह देगा सेवन आ गया ठीक है लेकिन बेसिकली इसका आंसर आपका सेवन नहीं आता या जैसे मान लो मैं आपको कहूँ की टेन की पावर माइनस अब देखो ना आपको ये पता है ये तो एच सी एल है एच सी एल तो एसिड होता है एसिड की पीएच कभी का सेवन हो सकती है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ये भाई न्यूट्रल सेवन होता है सेवन से कम एसिडिक सेवन से ज्यादा बेसिक ठीक है तो सेवन भी नहीं हो सकता सेवन पॉइंट फाइव जीरो आ जाती है या है ठीक है, है देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना बेसिकली क्या इसका फंडा होता है जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो आपने कह दिया कि टेन की पावर माइनस फोर मोलर एच सी एल है ठीक है तो आप पी एच डायरेक्टली लिख दोगे फोर है ठीक है देखो क्या होता है ना बेसिकली हमेशा जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हो तो ना वाटर की तरफ से भी माइनस सेवन कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वाटर की तरफ से कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है माइनस सेवन ठीक है लेकिन जैसे माइनस फोर है माइनस थ्री है तो वो माइनस सेवन से बहुत बड़ा है ठीक है अगर मैं कहूँ कि माइनस फोर और माइनस सेवन तो माइनस फोर जो है वो वन थाउजेंड टाइम्स ज्यादा है माइनस सेवन से तो हम माइनस सेवन को इग्नोर कर देते हैं लेकिन जब वैल्यू ही माइनस सेवन है तब तो आप वाटर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन को बेसिकली नहीं इग्नोर कर सकते तो इस केस में क्या होता है एक तो एच की तरफ से माइनस सेवन और माइनस सेवन आपका वाटर की तरफ से तो इसको आप टू इंटू टेन के पावर माइनस सेवन ठीक है तो ये आपकी हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन आती है ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जब आप माइनस लॉग लोगे तो ये आ जाता है सेवन माइनस लॉग ऑफ टू ठीक है तो दैट इज सेवन माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इट विल कम अराउंड सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन बट इन्होंने ऑप्शन में सिक्स पॉइंट सेवन नाइन ही दिया हुआ था जो कि सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन के अराउंड है सो इट्स राइट आंसर इज बी इसका करेक्ट आंसर क्या आपका बी ठीक है फिर आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ए पॉलीपेप्टाइड वॉज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स विद इंडिकेटेड रिजल्ट तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है ये हमने सब पढ़ा हुआ है कि ट्रिप्सिन कहाँ पे कट करता है काइमोट्रिप्सिन कहाँ पर कट करता है कार्बोक्सीपेप्टेड ए कहाँ पर कट करता है बी कहाँ पर कट करता है सो ए पॉलीपैप्टाइड वॉज सब्जैक्टेड टू फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स विद द इंडिकेटेड रिजल्ट एसिड हाइड्रोलिसिस वो तो चलो जनरल होता है तो उसमें आपको ये सारे अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे ठीक है अब वो कह रहे हैं कि एक हमने यूज करा अमीनोपैप्टीडेस एम ठीक है एक हमने यूज करा कार्बोक्सीपैप्टीडेस ए एंड कार्बोक्सीपैप्टीडेस बी और एक हमने ट्रिप्स इन फॉलोड बाई एडमिन डीग्रेडेशन ऑफ सेपरेटिड प्रोडक्ट्स ठीक है अब देखो जो ट्रिप्सिन है ट्रिप्सिन के बारे में खास बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये आपका बेसिकली लाइसिन आर्जिन के बाद कट करता है बट उसके बाद प्रोली नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो पहले हम ट्रिप्सिन से देख लेते हैं क्योंकि उसके हिसाब से वो ये दो फ्रेगमेंट कह रहा है हमें ठीक है सो अगर यहाँ पर हम देखें अगर फर्स्ट वाला सीक्वेंस ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे कट कराऊँ ठीक है क्योंकि लाइसिन के बाद एक तो हम यहाँ पे कट कराएंगे ठीक है बस यही कट होगा तो क्या आपके पास सीक्वेंस आ रहा है थ्रियोनिन एलेनिन मिथुनिन ग्लूटामिन लाइसिन और एक आपका सिस्टीन ग्लाइसिन ल्यूसिन फिनाइल एलेनिन एंड आर्जिनिन ठीक है तो ये आपको एक तो ये बता रखा है आपका ठीक है दूसरा उसने आपको क्या बता रखा है कि दूसरे में अगर हम देखें तो इसमें अगर हम कट करेंगे आफ्टर आर्जिनिन ठीक है इसमें भी अगर हम आर्जिन के बाद कट करें तो सिस्टीन ग्लाइसिन ल्यूसिन फिनाइल एलेनिन आर्जिनिन और थ्रियोनिन एलेनिन मिथुनिन ग्लूटामिन लाइसिन ठीक है और तीसरे में भी अगर हम देखें दैट इज ग्लूटामिन लाइसिन सिस्टीन तो इसमें बेसिकली कट अगर हम करेंगे तो कहाँ कट करेंगे यहाँ पे ठीक है और ये तो चलो आपका नहीं बनेगा थर्ड वाला ठीक है तो ट्रिप्सिन से तो चलो आपको पता लग रहा है कि मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है ठीक है और अगर हम लास्ट वाला देखें तो ट्रिप्सिन विल कट आफ्टर लाइसिन ठीक है एंड आर्जिनिन ठीक है तो उसमें लाइसिन आपका लाइसिन के बाद उसने क्या दिखाया आपका ठीक है क्योंकि लाइसिन सिस्टीन ग्लाइसिन ल्यूसिन एंड फिनाइल एलेनिन ठीक है सो so, इसमें आप देख सकते हो कि जो ट्रिप्सिन है ट्रिप्सिन अगर हम ये साइक्लिक पेप्टाइड में देखें तो एक तो ट्रिप्सिन कट करता है आफ्टर लाइसिन ठीक है तो जैसे मान लो यहाँ पे कट कर दे एंड आफ्टर आर्जिनिन ठीक है तो सिस्टीन ग्लाइसिन ल्यूसिन फिनाइल आर्जिनिन और आपका थ्रियोनिन एलिनिन मिथिनिन ग्लूटामिन एंड लाइसिन ठीक है तो देखो थर्ड को छोड़ के बाकी तीनों बन सकते हैं ठीक है लेकिन देखो बाकी भी आपको देखना होता है जैसे ये जो अमीनो अमीनोपैप्टीडेस एम है ठीक है ये अमीनो टर्मिनस पे एक्ट करता है ठीक है कार्बोक्सी कार्बोक्सीपैप्टीडेस ए और बी कहाँ पर एक्ट करते हैं आपके बेसिकली ये कार्बोक्सी टर्मिनस पे ठीक है देखो ये होता है एन टर्मिनस ये होता है सी टर्मिनस ठीक है जैसे मान लो हमने पढ़ा कार्बोक्सी कार्बोक्सीपैप्टीडिस बी ये कट करता है बेसिकली लाइसिन और बेसिकली पहले, पहले कट करता है, जो होता है. ठीक है अब देखो ना यहां पर देखो थर्ड ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट होगी अब देखो इधर आर्जिनिन लाइसिन ठीक है तो कार्बोक्सीपेप्टिडे पहले कट करता है लेकिन यह कह रहा है कि जब हमने कार्बोक्सीपेपिस भी दिया तो नो no फ्रेगमेंट ठीक है अमीनो अमीनोपैप एम दिया तो नो फ्रेगमेंट ये क्या इंडिकेट करता है ना कि क्योंकि ये फ्री टर्मिनस पे एक्ट करते हैं ठीक है तो फ्री टर्मिनस पे भी अगर ये एक्ट नहीं कर रहे ठीक है इसका मतलब जो आपका पेप्टाइड है 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 वो कैसा साइक्लिक ठीक तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी ठीक है इसका आंसर क्या होगा आपका डी क्योंकि आप कार्बोक्सी कार्बोक्सीपैप्टिडिस बी उसने लिखा ना जब मैंने कार्बोक्सी कार्बोक्सीपैप्टिडिस बी दिया तो कोई फ्रेगमेंट नहीं आए ठीक है अमीनो अमिनोपैप्टिडिस एम दिया तो भी कोई फ्रेगमेंट नहीं आए क्योंकि ये फ्री टर्मिनस पे एक्ट करते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि ये तो साइक्लिक बना हुआ है इसलिए इस केस के अंदर बेसिकली आपका जो कार्बोक्सीपेपिस बी जो है क्योंकि ए और बी पे तो वो एक्ट करेगा और ए और बी पे एक्ट करेगा तो फ्रेगमेंट आने चाहिए ठीक है सी पे तो चलो हमारा आंसर बन ही नहीं रहा तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी सो द करेक्ट आंसर इज डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एस्पार्टेट है ठीक है ये एक अमीनो एसिड है विद स्ट्रक्चर जो कि हमें पता है कि ये एक तरह से आपका जो एस्पार्टिक एसिड होता है ये किस टाइप का अमीनो एसिड होता है आपका एसिडिक ठीक है अब वो कह रहे हैं कि इनमें से ये हमें अलग अलग प्रोसेस बता रखे हैं प्रोटीन सिंथेसिस डी नवो सिंथेसिस ऑफ आई एम पी एंड ओरटिक एसिड ये एक तरह से जो हमारे डीएनए सिंथेसिस के पाथवे होते हैं ए एम पी फ्रॉम आई एम पी ठीक है और एक आपको क्या बता रखा है ग्लूटाथायोन ठीक है सो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें ये चाहिए होता है ठीक है अगर आपको डी नोवो पाथवे देखोगे तो वहां पर भी आपको जब आई एम पी औरटिक एसिड बनाना होता है तो आपको स्पार्टिक एसिड चाहिए होता है जब आपको ए एम पी बनाना होता है तब भी हमें स्पार्टिक एसिड चाहिए होता है ठीक है लेकिन ये जो ग्लूटाथायोन है ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है ग्लूटामिक एसिड ठीक है एक होता है इसमें सिस्टीन और एक होता है ग्लाइसिन ठीक है तो ग्लूटाथायोन सिंथेसिस के अंदर आपको एस्पार्टेट नहीं चाहिए ठीक है तो अगर आप बिलो ऑप्शन देखोगे तो क्या आंसर बनेगा आपका ए बी एंड सी सो द राइट आंसर इज ए बी एंड सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन ठीक है देखो अभी मैंने आपको बताया बेसिकली जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये हमने पढ़ा है काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद कट करता है प्रोलिन नहीं होना चाहिए ठीक है ये सब देखो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है काइमोट्रिप्सिन मैंने आपको बताया हुआ है इट कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड और उसके बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए और टर्मिनस पर नहीं एक्ट करता ठीक है तो आपके फिनाइल एलिनिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन के बाद ये कट करता है बट इनके बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए ट्रिप्सिन हमने पढ़ा हुआ है ये लाइसिन और आर्जिन इनके बाद कट करता है के और आर के बाद उसके बाद भी आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए ठीक है कार्बोक्सीपेपिज भी अभी मैंने आपको बताया कि ये इट कट्स बिफोर लाइसिन और कट्सिन ये टर्मिनस फैक्ट करता है ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला है कि कार्बोक्सीपेप्टिडिस डस नॉट जनरेट पेप्टाइड विद सी टर्मिनल न्यूट्रल अमीनो एसिड ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये तो कट ही आपका टायरोसिन ट्रिप्टोफैन की बात कर रहा है ये तो आपके न्यूट्रल ही होते हैं ठीक है तो ये गलत है क्योंकि जब फ्रेगमेंट बनेगा तो सी टर्मिनस पे आपका यही अमीनो एसिड आएगा ठीक है तो पहली स्टेटमेंट गलत है ट्रिप्सिन इन पेप्टाइड वेबटाइट विद सी टर्मिनल बेसिक अमीनो एसिड बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्योंकि ये लाइसिन आर्जिन के बाद कट करता है देखो ना कट करने के बाद अगर देखो ना आपके पास कोई फ्रेगमेंट है ठीक है अगर ये लाइसिन के बाद कट कर रहा है ठीक है तो लाइसिन लास्ट हो गया अब लाइसिन लास्ट है तो सी टर्मिनस पे आपका बेसिक आ गया ये सही है कार्बोक्सिपेप्टिडेस भी एक्ट ऑन एरोमेटिक अमीनो एसिड ये भी बिल्कुल गलत है ये लाइसिन आर्थिन से पहले कट करता है ठीक है अब देखो ए और सी तो गलत हो गया आपका अब ए और सी गलत है तो पहली स्टेटमेंट मेरी गलत है ठीक है ये भी गलत है ठीक है अब हमारे पास क्या बचा आपका डी ई एफ और बी डी एफ ठीक है तो इसका मतलब डी तो सही है क्योंकि डी तो दोनों में कॉमन है आपका एफ भी कॉमन है ठीक है और बी बी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये सही है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा आपका डी सो द राइट आंसर इज डी अब देखो क्या ना ये क्वेश्चन आपसे वो कहाँ पूछ रहा है मे बी ये एनिमल फिजियोलॉजी में पूछ रहा है ठीक है ना अब देखो आप बेसिकली जितना भी आपने थ्योरी पढ़ी ठीक है अब आप इन एंजाइम्स पे देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपने पिछला देखा ठीक है तो इसका मतलब हमारा बी सही है टी सही है और एफ ठीक है कि फाइनल डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होता है द ब्रश वॉर्डर एंड द साइटोप्लाजम ऑफ म्यूकोसल सेल ठीक है तो ये ई e स्टेटमेंट गलत होगी कि जो ब्रश वॉडर एंटीरोइनिस होता है अब ये दोनों क्वेश्चन उसने डाइजेशन से रिलेटेड दे रखे हैं बट जब मुझे ये पता है कि ए और सी गलत है ठीक है और बी मेरा पक्का सही है तो बस और डी और एफ इन में कॉमन था ठीक है तो ये स्मार्टनेस होती है क्योंकि मे भी अगर मैं बाईमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे ई e और एफ का नहीं पता है ठीक है चलो मुझे ई e और एफ का नहीं पता लेकिन मुझे बी पक्का पता है सही है ठीक है तो बी सही है तो और ए और सी पक्का गलत है ठीक है तो पहले दोनों ऑप्शन खत्म होगी बी सही है तो अगर मैं ये दोनों ऑप्शन को कंपेयर करूं ठीक है डी और एफ तो दोनों में सही है और बी के बारे में तो मैं हंड्रेड परसेंट शोर हूँ कि बी तो सही है तो बस बात खत्म तो मेरा आंसर आ गया डी सो दिस इज स्मार्टनेस ठीक है कैसे हम एग्जाम को स्मार्ट वे में क्लियर करते हैं अब वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स आर लिस्टेड इन कॉलम एक्स एंड देयर कनेक्टिक एक्सप्रेशंस आर लिस्टेड इन कॉलम वाई ठीक है इतना सिंपल क्वेश्चन आ रखा आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी टर्न नंबर माइकैल कॉन्स्टेंट कैटलिटिक एफिशियंसी ठीक है स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने क्या पढ़ा था कि वी मैक्स आपका मतलब जितने भी वेलोसिटी आती है डिवाइडेड बाय द प्रोटीन कंसेंट्रेशन ठीक है डिवाइडेड बाय द प्रोटीन कंसेंट्रेशन ठीक है तो एक तो आपका सॉरी ये हमें क्या क्या दे रखा है इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने क्या पड़ी थी कि एक्टिविटी बाय इसमें चलो बाकी एक बार देखते टर्न ओवर नंबर हमारा क्या था एक टर्न ओवर नंबर एक हमारा माइकेलेस और कैटेलिटिक एफिशिएंसी, ठीक है टर्नओवर नंबर हमारा था कि जिसमें हमने पढ़ा था कि वी मैक्स बाय मोल्स ऑफ एंजाइम, ठीक है दोनों चीजें हमें मोल्स में लेनी होती है ठीक है माइकेलेस कांस्टेंट वो कंसंट्रेशन कंसेंट्रेशन पे वेलोसिटी वी मैक्स बाय टू होती है कैटेलिटिक एफिशिएंसी के कैट बाय के एम तो सी का तो हमारा क्या बन रहा है इसमें सी का 2 ठीक है सी का 2 बन रहा है डी का वन ठीक है तो ये तो ए के ऑप्शन में बन रहा है आपका सी में ए का हमारा क्या बन रहा है इसका मतलब वी मैक्स बाय प्रोटीन कंसेंट्रेशन और टर्न ओवर नंबर इज वी मैक्स बाय मोल ऑफ ठीक है तो इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका सी है तो इसका आंसर सी अब तो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है द सोलिबिलिटी ऑफ एन इज ग्रेटर इन वाटर आपका डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है तो आप ये याद रखना कि NACL की एन ए सी एल की सोलिबिलिटी वाटर में ज्यादा है एस कंपेयर टू इथेनोल तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सोलवेंट की से हम क्या बोलते हैं आपका डाईलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ये जो आपके जून ट्वेंटी थ्री मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे बाइक के से रिलेटेड तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वही प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड या एंजाइम्स ठीक है इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रखे हैं ठीक है सो इन द नेक्स्ट वीडियो फिर हम जून ट्वेंटी थ्री के जो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ठीक है और फॉलोइंग सीरीज़ में जैसे अभी दिसंबर ट्वेंटी थ्री के अंदर जो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं या इवनिंग शिफ्ट के हैं वो हम डिस्कस करेंगे सो so, if you like this video please subscribe to our channel biotech sapiens and for all these kind of videos please subscribe to our channel biotech sapiens thank you so much